राजा साहब, राज गया मगर रिवायतें अब भी कायम है। आपकी ये शानो शौकत देखकर लगता है कि जमाना अब भी नहीं बदला। जमाना हम बदलने भी नहीं देंगे केदारनाथ। हमारी पुश्तों से चली आई आन बान और शान को हम इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। खैर, मनोरमा को हमने बड़े नाजों से पाला है, वो अपने गुजरे हुए माँ बाप बिल्कुल भूली गई है। उसके माँ बाप अब हम ही हैं। हमारी एक ही तो भतीजी है, यूं समझ लीजिए कि हम अपने दिल का टुकड़ा आपके घर में दे रहे हैं। रामा और रूपेश की कुंडली तो मिल ही जाएगी। खैर, रमा अपनी पढ़ाई खत्म करके हिंदुस्तान आ जाए तो हम एक तरह से ये रिश्ता पक्का ही समझे। पक्का? अरे पक्का क्या समझो, मोहरी लग गई। नमस्ते। आओ लाला आओ। आए लगे राजा भाई, इनसे मिली ये हमारे धूम सरकार धूम। जब तक ये हमारे दर्शन नहीं कर लेते इनके गले से खाना नहीं उतरता। राजकुमार जी, हमारी बिटिया बड़ी सरल, बड़ी भोली, बिल्कुल गाय है गाय, मुँह में जबान तक नहीं है, बिल्कुल गूंगी है गूंगी। लाला माफ करना सरकार, जुबान स्लिप हो गई। अच्छा तो राजा साहब, हमें इजाजत दीजिए, शाम भी ढल चुकी है और हमें बहुत दूर भी जाना है। अच्छा केदारनाथ, इन्हें गाड़ी तक छोड़ा। आइए। नमस्ते। छोटे राजा। दुर्गा। हाँ छोटे राजा, आपने बुलाया नहीं इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं और तुम्हें बुलाऊं? भूल गए, कहा तो यही था ना। मैंने कहा और तुमने यकीन कर लिया। तो फिर भगवान के आगे वो फेरे क्या वो दिखावा था, छल था? दुर्गा, जितनी तरह की लड़कियां होती हैं ना उतने ही तरह के जाल बिछाने पड़ते हैं। कोई पैसों से खुश हो जाती है, कोई तोहफा से, पर तुम उन सब से अलग थे, इसीलिए तुम्हारे साथ शादी का ढोंग करना पड़ा। देखो दुर्गा, रात गई बात गई। वो रात नहीं गई छोटे राजा, वो रात मेरी कोख में तुम्हारा वंश बनकर पल रही है। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मेरा बच्चा? क्या सबूत है तेरे पास? भगवान जानता है कि ये किस पत्थर के भगवान की बात कर रही है तू? उसकी जिसे खुद मंदिर छोड़कर दर्शन देने के लिए रोज हमारी चौखट पर आना पड़ता है। मेरा विश्वास करो, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। बच्चा मेरा है ये मैं कैसे यकीन कर लूँ? कौन जाने मुझसे पहले उस हरामजादे के माथे पर और कितने पापों की मोहर लग चुकी है। रणबीर, क्या बात है? राजा साहब, ये औरत कहीं से अपना मुंह काला करके आई है और अपना कलंक छोटे राजा बाबू पर थोपना चाहती है। चिल्लाती है, कहती है कि लाला तुम अंदर जाओ। बड़े राजा, बड़े राजा, ये कलंक नहीं है, आप ही के खानदान का खून है जो बेगुनाह अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। आप इंसाफ कीजिए बड़े राजा, आप इंसाफ कीजिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तूने कहा था ना ये मेरे भाई का पाप है, ले अब ये भी धुल गया। जालिमो, बहुत सताया है,
बहुत जुल्म किया है मुझ पर। तुम शायद ये भूल गए, जब गरीब की छाती फटती है तो उसमें से दर्द निकलता है तो उसकी आह ऊपर वाले तक पहुंचती है और वो कहर बनकर तुम्हारी खोखली शान को चूर चूर कर देता है। मेरी एक एक बद्दुआ ऊपर वाले की लाठी बनकर तुम पर बरसेगी। जिस तरह यह अभागन आज तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा रही है अपनी इज्जत के लिए, एक दिन तुम भी किसी गरीब के आगे गिड़गिड़ाओगे अपनी जिंदगी के लिए, मगर तुम्हें भीख नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तुमने मेरे खून से अपना फर्श धोया है रणबीर सिंह, मैं तुम्हारे खून से अपने बाल धोऊंगी और इन्हें तब तक नहीं बांधूंगी जब तक मेरा कहा सच नहीं हो जाता। एक दिन एक झोपड़ी का चिराग तुम्हारे इस महल को आग लगा देगा और उस आग में तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो जाएगा ब्रिजराज सिंह। ये मेरा श्राप है। मुझे तो लगता है तू मेरा बेटा ही नहीं है। मुझे भी लगता है आप मेरे बाप ही नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल तेरा बाप नहीं हूँ। अरे जो आदमी राजा साहब की नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, जो राजा साहब की हुकूमत को ललकारता है, उस हरामजादे की बेटी से अगर मेरी औलाद रिश्ता जोड़ना चाहती है तो मुझे वो औलाद ही स्वीकार नहीं है। मैंने भी अपनी स्वर्गवासी माँ को वचन दिया था, आपकी रजामंदी के बगैर शादी नहीं करूँगा, नहीं तो मैं आपकी मनमानी स्वीकार नहीं करता। राजा साहब की चमचागिरी करते करते अपने बापू को चमचा बोलता है। चमचे को चमचा नहीं बोलूं तो क्या कड़की बोलूं? क्यों बोलूं? हाँ, क्योंकि राजा ने लाला को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो मजाक उड़ाता है मेरी। अबे रुपये, क्यों लड़ता रहता अपने बापू से? वो भी राजा साहब की चमचागिरी से बाज नहीं आते। कितनी बार समझाया, सच्चाई का साथ दो, अमेरिका नहीं। अजय बेटे, चलो नाश्ता कर लो। आया माँ। लकी मैन, अरे पानी नहीं आ रहा। थैंक यू। माँ सुनो ना माँ। राम, ये क्या बचपना है? माँ, इसे जल्दी से घर से निकाल दो, जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर दो बस। चल नाश्ता कर। माँ, भैया सुबह से शाम मुझे मेरे हाथ पीले करने की बात करते रहते हैं, मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। माँ, तो इसकी बातों में मत आना, जितनी जल्दी हो सके, चाहे वो लंगड़ा हो, लुला हो, गधा हो या घोड़ा, कुछ भी हो, इसकी शादी कर दो बस। ओए होए, मेरे लिए लंगड़ा और लूला और तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी आएगी? हाँ, मेरे लिए राजकुमारी आएगी, क्यों नहीं, मेरे लिए राजकुमारी ही आएगी। ये सब क्या है चाचू? रमा, ये सब तुम्हारा स्वागत करने, तुम्हें देखने के लिए आए। देखने? क्या मैं तुम सबको कोई नुमाइश की चीज नजर आती हूँ? मुझे नहीं चाहिए कोई स्वागत वागत, जाइए और अपना काम कीजिए। आउट। लेकिन बेटी, आउट। इस तरह का स्वागत हमारी परंपरा है, हमारे रीति रिवाज के मुताबिक है। ओ चाचू, रीतो रिवाज? हाँ। ताऊ जी कहाँ है? ताऊ जी अंदर है। ताऊ जी। रमा रमा, कैसी है हमारी बेटी? बहुत नाराज है हम आपसे। क्यों? ये आपने हमें किस जंगल में बुलवा लिया है? कितनी बोरिंग जगह है। अरे अब की बार तो हम बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको, जानती हो क्यों? क्योंकि अब की बार हमने आपकी सगाई करने का फैसला कर लिया है। सगाई? किससे? कोई इंडियन लंगूर से? हमें इतनी जल्दी शादी वादी नहीं करनी। तो हम कब कह रहे हैं कि शादी आज ही कर लो है? अरे अभी अभी आई हो, घूमो फिरो, रिलैक्स रमा, एंजॉय योरसेल्फ। लड़की, रमा को उनका कमरा दिखाओ। ठीक है। भाई साहब, ये लड़की है या कोई जलजला? जलजला तो होगी, आखिर खून किसका है? हा?
ये मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? तुम्हारी खूबसूरती। How dare you? उतारो मुझे। अरे बड़ी नाशुक्र हो तुम। एक तो मैंने तुम्हें डूबने से बचाया, ऊपर से चिल्ला रही हो, डूब जाती तुम। डूब जाती तो डूब जाती, तुम कौन होते हो बोलने वाले? नीचे उतारो मुझे, मैंने कहा नीचे उतारो मुझे। जानते नहीं मैं कौन हूँ? सपनों की राजकुमारी। सपनों की राजकुमारी नहीं, हकीकत की। तुम जो भी हो, खुदा की कसम लाजवाब हो। दिल लगी करने को दिल तो बात कर रहा है, पर जरा जल्दी मैं हूँ, फिर मिलेंगे। कौन है ये जानवर? जानवर? जानवर नहीं, आदमी है आदमी, और नाम है अजय। गांव की सारी लड़कियां मरती हैं इस पर ये है कि मुड़कर देखता तक नहीं। पिछले साल बैल उत्सव में यही जीता था और इस साल भी यही जीतेगा।